अगली खबर में बात करते हैं अयोध्या की, जहां डीएपी खाद की किल्लत तथा कालाबाजारी को लेकर सपा के दिव्यांग नेता पंडित समरजीत ने किसानों के साथ डीएपी खाद की आरती उतार कर जताया विरोध। विधानसभा बीकापुर क्षेत्र के ग्राम सभा वासुदेवपुर के खेत में डीएपी खाद की ग्रामीण किसानों के साथ आरती उतारकर खाद की किल्लत पर किया प्रदर्शन। पंडित समरजीत ने कहा, जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है तब से किसानों को, चाहे रवि की फसलें हो चाहे खरीफ की फसलें हो, किसान को सरकारी सोसाइटियों से खाद नहीं उपलब्ध हो पाती है, जिससे हमारे किसान भाई दुकानों से ब्लैक में खाद लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जो डीएपी खाद सरकारी दुकानों से 1350 रुपए में मिलती है, वही खाद ब्लैक दुकानों में से 1500 से 1600 किसान भाई लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सरकार तथा सरकारी तंत्र की मिलीभगत से भाजपा सरकार में किसान महंगी उर्वरक खादें खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हमारे किसान भाइयों के दुख दर्द को समझने वाली न सरकार है न सरकारी कर्मचारी, केवल किसानों को लूटने का काम किया जा रहा है। अगर 2024 के चुनाव में सपा सत्ता में आई तो किसान भाइयों को खरीद तथा रवि की फसलों पर मुफ्त खाद बीज सपा सरकार देने का काम करेगी, और इस अत्याचारी भाजपा सरकार को 2024 के चुनाव में यही हमारे किसान भाई उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ओम जय खाद माता, भाजपा सरकार के और तुम्हारे कमी पड़ जाती। ओम जय खाद माता, जब जब बुआई कसी जन औत सरकारी सोसाइटी से तू गायब हो जाती। सरकार तथा सरकार के मिले भगत से तू ब्लैक मा खूब बिक जाती। किसानन का लूट लूट अधिकारी तथा बनिया राजा बन जाते। ओम जय खाद माता, किसानन के दुख दर्दन का नहीं कोई है सुनवैया। आप खाद लेके आ रहे हैं, कहाँ से पाए ये खाद? हम प्राइवेट दुकान से लेके आ रहे हैं, सोसाइटी बंद पड़ी है, कोई वहाँ पे है नहीं। सरकारी दुकान बंद पड़ी है? हाँ, सरकारी दुकान बंद तो भाई है। सरकार तो कहती है कि सभी सरकारी दुकानों पे खाद उपलब्ध है। उपलब्ध नहीं, खाद है नहीं कि क्या है, देते नहीं है, और ये प्राइवेट दुकान से लेके आ रहे हैं, वो भी जो है कि 1550 रुपए हमसे लिए हैं खाद। ये 1350 की खाद आपको 1550 में मिल रही है? हाँ, 1550 की खाद दिए हैं, और अब खेत बोने लायक हुआ है तो क्या करें, मजबूरन खाद लाना पड़ रहा है। देखिए, आज भाजपा सरकार में जो है डीएपी खाद जो है वो केंद्रों से गायब हो चुकी है, ब्लैक मेल की जा रही है, तमाम दुकानें जो है वो खाद का स्टॉक रखे हैं, उसके बाद किसानों को खाद उपलब्ध नहीं मिल रही है। जो 1370 रुपया बोरिया डीएपी खाद है, आज वही खाद 1600-1700 में किसान लेने के लिए मजबूर हैं। आज हम यही सरकार से बताना चाहते हैं कि क्या भाजपा सरकार किसानों को लूटने का धंधा बना चुकी है, कि जब जब किसानी का काम आता है, खेती का काम आता है, तब तब यही भाजपा सरकार किसानों की खाद को गायब कराने का काम करती है। उसके कर्मचारी प्रशासन खाद को गायब कर देते हैं, और वही खाद हमारे किसान भाई 500-600 रुपया अलग से देकर खाद खरीद कर अपने किसान बुआई का काम करते हैं। हम आज यही बताना चाहते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी भाजपा को उत्तर प्रदेश और देश से उखाड़ फेंकने का हमारे अब के किसान भाई काम करेंगे।